एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर ऑपरेटर्स जो MySQL के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर का प्रयोग है, वो एक रेंज ऑफ डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे मान लो ये रेंज है 20, 30, 20, 10, 20, 30। तो इस रेंज ऑफ डेटा को हम जैसे 10 से 30, 20, तो ये रेंज हम स्पेसिफाई करते हैं। 10 से 30 तक करते हैं सारा आ जाएगा, 10 से 20 तक करते हैं सारा आ जाएगा। इसी तरह से ये तो एक सिंपल है, और भी हो सकती है रेंज। तो अगर हमें ए रेंज ऑफ डेटा सिलेक्ट करना हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर बिटवीन। अब बिटवीन के अंदर हम 10 एंड 20 करते हैं, 10 से 20 के बीच में। ठीक है, तो ये 10 से 20 के बीच की रेंज का डेटा हमें डिस्प्ले करा दिया। इसी तरह से अपन 20 से 30 लेते हैं, तो इसको ऐसे कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर डेप नंबर बिटवीन 20 एंड 30, 20 से 30 की रेंज का। तो इसमें केवल 20 से 30 की रेंज का है। अगर इसका आपको जस्ट अपोजिट करना है, उल्टा करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, तो हम क्या करेंगे, सिंपल नॉट का प्रयोग करेंगे उसके साथ। ओके, तो वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट बिटवीन 20 एंड 30। तो सिंपल सी बात है, 20 और 30 की रेंज को छोड़ के बाकी सारा बचा हुआ है वो हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा, दैट इज 10। ठीक है, तो बिटवीन और नॉट बिटवीन इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब अगला ऑपरेटर देखते हैं, वो है इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर के अंदर, इसमें हमने रेंज तो सिलेक्ट कर लिया, तो रेंज के अलावा कई बार हमें क्या आता है, बीच बीच में से मल्टीपल चॉइसेस के रूप में डेटा सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफाइड रेंज नहीं होती, तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमारी मल्टीपल चॉइसेस आ जाती है, वही सिलेक्टेड डेटा डिस्प्ले होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर EMP NO एम्प्लॉय नंबर इन, ये लो। अब इसके अंदर 8369 ये हमने कोमा कर लिया, फिर उसके बाद 8698, 8698 फिर कोमा कर लिया, फिर 8900, 8900। ये तीन ही डेटा हमें चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये तीन ही डिस्प्ले किया है इसने। ठीक है, इसी तरीके से हमें केवल इसमें क्लर्क, सेल्समैन और मैनेजर चाहिए। तो
ये भी हम देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन, तो इसमें क्लर्क, सेल्समैन, सॉरी ये स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन में आएगा, सेल्समैन और मैनेजर, ये तीन चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। एनालिस्ट, तो इसके अंदर एनालिस्ट आपका रह गया, वो नहीं आया। ओके, तो इसी तरीके से हमने जैसे नॉट बिटवीन किया, उसी तरह से नॉट इन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉट इन भी करके देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर जॉब नॉट इन, क्लर्क, मैनेजर। जो क्लर्क और मैनेजर की जॉब ना हो, बाकी सारी डिस्प्ले कर दे, क्लर्क और मैनेजर को छोड़ के बाकी सारी इसने जॉब डिस्प्ले कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर बचता है इज। ठीक है, तो इज ऑपरेटर आपको बताते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। तो यहां पर देखिए नल हमारा दिखाई दे रहा, तो इज का प्रयोग हम नल को हैंडल करने के लिए करते हैं, वो इक्वल टू उसके अंदर यूज नहीं होता। तो इसके लिए देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर कमीशन इज नल, जहां कमीशन नल है केवल वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे। ये देखिए, ये इज ऑपरेटर का प्रयोग नल को हैंडल करने के लिए किया जाता है। अगर हम ये कहें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर कमीशन इज इक्वल टू नल, तो इसमें ये कुछ भी नहीं दिखाता। ठीक है, इसलिए इसके लिए जरूरी है कि हम इक्वल टू के बजाय इज का प्रयोग करें। अब देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर, सॉरी वेयर COMM इज नल, ये लीजिए नल वाला दिखा दिया इसने। तो इसी तरीके से हम नल का यूज इसमें करते हैं। फिर उसके बाद हमारा है लाइक ऑपरेटर, तो लाइक ऑपरेटर का प्रयोग हम पैटर्न मैचिंग के लिए करते हैं। तो पैटर्न मैचिंग भी चलो बताते हैं आपको। जैसे सपोज हमें ए से स्टार्ट होने वाले सभी नाम चाहिए, वो सभी एम्प्लॉय के डेटा चाहिए, तो देखिए सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक। अब लाइक के बाद सिंगल कोटेशन में हम पैटर्न करेंगे, ए परसेंटेज अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब नाम ए से शुरू होना चाहिए, बाकी कोई भी एनी नंबर ऑफ करेक्टर
हो सकते हैं, ठीक है। आनिया, आमिर, अनूप, तो ऐसे स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नाम इसने बता दिए। अब इसी तरीके से हम दूसरा पैटर्न लेते हैं, जैसे सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर, सॉरी ई नेम लाइक, तो इसके अंदर ए से स्टार्ट हो, उसके बाद केवल तीन स्पेस हैं, ठीक है, यानी तीन करेक्टर कोई भी हो, यानी टोटल चार अक्षर का नाम होना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करेगा, तो इसमें देखिए ये आनिया और आमिर ये दो नाम डिस्प्ले किए, अनूप नहीं किया। तो ये इस तरह से हम पैटर्न मैचिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।